नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश के भरोसेमंद न्यूज चैनल जनता सो पर। इस वक्त हमारी सेना से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार 21 दिसंबर को आतंकवादियों ने सेना के दो वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। दोपहर करीब 3:45 पर हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए। गुरुवार तक 4 जवानों के शहीद होने की खबर थी, लेकिन हमले में गंभीर रूप से घायल एक जवान ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। अभी भी दो जवानों की हालत गंभीर है, फिलहाल ऑपरेशन जारी है। मौके पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA भी पहुंच गई है। शहीद जवानों की संख्या को लेकर 24 घंटे तक कंफ्यूजन रहा। गुरुवार दोपहर को 3 पहले 4 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी। इसके बाद देर रात तक यह संख्या 5 कर दी गई, लेकिन शुक्रवार सुबह 9 यह संख्या घटाकर 4 कर दी गई। फिर 10 सेना के सूत्रों ने बताया कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए। सेना के अधिकारियों के मुताबिक जवानों और आतंकवादियों के बीच आमने सामने लड़ाई हुई। शहीद हुए सैनिकों में 2 के शव सख्त विषक्त मिले। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके बीच हाथापाई भी हुई। साथ ही यह भी संभावना है कि आतंकवादियों ने सैनिकों को शहीद करके उनके हथियार लूट लिए। सूत्रों के मुताबिक यह हमला थाना मंडी सुरनकोट रोड पर डेरा की गली DKG नाम के इलाके में हुआ। यह वाहन जवानों को लेकर सुरनकोट और बफलियाज जा रहे थे, जहां बुधवार रात सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। गुरुवार को अभियान में शामिल सुरक्षा बलों से सेना का कनेक्ट हो पाया, जिसके बाद यहां अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा जा रहा था। हमले की एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो डेरा की गली इलाका पूंछ और राजौरी से लगता है। राज्य की जियोग्राफी के हिसाब से ये लोकेशन सुरनकोट पूंछ में आती है, लेकिन आर्मी के सेक्टर और ऑपरेशनल कमांड के हिसाब से ये राजौरी में है। घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा दें। सेना के इस वाहन पर आतंकियों ने हमला किया। वाहन के पास सड़क पर खून फैला दिखाई दे रहा है। आतंकियों की तरफ से घात लगाकर किए गए इस हमले में वाहन की खिड़की के शीशे टूट गए। जिन जवानों पर हमला हुआ वे इस इलाके में बुधवार से चल रहे सर्चिंग ऑपरेशन में शामिल होने जा रहे थे। आतंकियों के हमले के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की। यहां अब तक मुठभेड़ हो रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP बोले, पाकिस्तान ने योजनाबद्ध हमला करवाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वेद ने कहा, आर्मी व्हीकल पर हमला पाकिस्तान की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से किया गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो सकारात्मक बदलाव हुए हैं, आतंकी इस नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। एक दिन पहले सुरनकोट के पुलिस कैंप में हुआ था ब्लास्ट। पूंछ के सुरनकोट इलाके में 19-20 दिसंबर की दरमियानी रात एक पुलिस शिविर में ब्लास्ट हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार 20 जनवरी को इस घटना की जानकारी दी। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि पुलिस कैंप में खड़े कई वाहनों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। 250 से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ को तैयार, इंटेलिजेंस ने बताया। पाकिस्तान सीमा में लॉन्चपैड में रह रहे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी अलर्ट पर। पाकिस्तान सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्चपैड पर है। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। BSF के एक सीनियर ऑफिसर ने इंटेलिजेंस के हवाले से ये जानकारी दी है। अफसर ने बताया कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है, सीमा पार से किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। BSF के IG अशोक यादव ने पुलवामा में बताया कि आतंकी गतिविधियों को देखते हुए हम BSF और सेना संवेदनशील इलाकों पर नजर रखे हुए हैं और सतर्क हैं। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों और कश्मीर के लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। अगर लोग हमारा सहयोग करें तो हम विकास के कामों में बेहतर तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें, नवंबर में 2 एनकाउंटर में 6 आतंकी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 एनकाउंटर हुए, जिनमें 6 आतंकी मारे गए थे। पहला एनकाउंटर कुलगाम में 16 नवंबर की शाम को शुरू हुआ, इनमें 5 आतंकी मारे गए। दूसरा एनकाउंटर राजौरी में हुआ, इसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। नवंबर में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे, 5 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच चली मुठभेड़ 34 घंटे बाद 23 नवंबर को खत्म हुई। इसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। गोलीबारी में 5 जवान शहीद हुए थे। जान गंवाने वालों में कैप्टन शुभम, कैप्टन MV प्रांजिल, हवलदार माजिद,
पैरा 2 पर सचिन लोर और नायक संजय विष्ट थे। मारे गए एक आतंकी का नाम कारी था। डिफेंस ब्यूरो के मुताबिक कारी पाकिस्तान नागरिक था। उसे पाक और अफगान मोर्च पर ट्रेन किया गया था। दूसरे आतंकी की जानकारी सामने नहीं आई। इसी के साथ हम आपको बता दें, अक्टूबर में क्रिकेट खेलते अफसर को गोली मार दी गई। 29 अक्टूबर को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक आतंकी ने पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर वानी को 3 गोलियां मारी। गोलियां पेट, गर्दन और आंख में लगी। बाद में इलाज के दौरान मसरूर की मौत हो गई। हमले की जिम्मेवारी आतंकी संगठन TRF ने ले ली थी। हमला उस समय हुआ जब मसरूर वाणी स्थानीय लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए जनता शो।